लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब हार और जीत पर मंथन शुरू हो गया है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय जनता चाय और पान की दुकान पर चर्चा कर रही है कि आखिर अयोध्या जैसी सीट पर भाजपा क्यों हारी। केंद्र और प्रदेश सरकार ने अयोध्या में विकास की गंगा बहाई, राम मंदिर बना, एयरपोर्ट बना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अयोध्या धाम का रेलवे स्टेशन बना, राम पथ बना, राम की पैड़ी की सुंदरता बढ़ाई गई, तो फिर आखिर फैजाबाद लोकसभा से भाजपा क्यों हारी। दरअसल अयोध्या में बीजेपी की हार की कई वजह हैं, जिसमें जनता की बातों को अनसुना करना, लल्लू सिंह का वो पुराना बयान जिसमें वो कहते हैं कि आप लोगों ने मोदी को वोट दिया मुझे नहीं, राम पथ के निर्माण में हजारों दुकानों और मकानों का तोड़ा जाना, दुकानों और मकानों को तोड़ने के बाद उचित मुआवजा नहीं दिया जाना, नजूल की जमीन पर बने दुकान और मकान का मुआवजा नहीं दिया जाना। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनने के बाद माना जा रहा था कि ये सीट भाजपा के लिए बहुत आसान है, लेकिन आए परिणामों में से सीट सबसे चौंकाने वाली रही, जहां सपा के अवधेश प्रसाद 54,567 वोट से जीते हैं। उनको कुल 5,54,289 वोट मिले। वहीं अगर बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह की बात करें तो उन्हें कुल 4,99,722 वोट हासिल हुए। दरअसल अयोध्या सीट पर इस बार अखिलेश यादव ने नया प्रयोग किया और सामान्य सीट होने के बावजूद अखिलेश यादव ने अयोध्या की सबसे बड़ी दलित आबादी वाली पासी बिरादरी से अपने सबसे मजबूत पासी चेहरे को उम्मीदवार बना दिया, जो अंत में सही साबित हुआ। वहीं अगर बात करें बीजेपी के प्रत्याशी लल्लू सिंह की, तो वो वही लल्लू सिंह हैं जिन्होंने पूरे विपक्ष को संविधान बदलने का मुद्दा थमा दिया था। लल्लू सिंह ने ही कहा था कि मोदी सरकार को 400 सीट इसीलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। बता दें कि हिंदुत्व की राजनीति का केंद्र होने के बावजूद ये शहर बीजेपी का गढ़ नहीं रहा है। यहाँ से कई दलों के नेता चुनाव जीत चुके हैं। 1991 से यहाँ विधानसभा चुनाव नतीजों में बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन फैजाबाद लोकसभा सीट पर उत्तर प्रदेश की तीनों बड़ी पार्टियाँ बीजेपी, एसपी और कांग्रेस अलग अलग चुनावों में अपनी जीत दर्ज कर चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।